परवेज भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो बस आपको इस्तेमाल कर रही थी। मुझे इस्तेमाल करती, मुझे दुख नहीं था। मेरी ना माँ नहीं है, बिल्कीज खाला ने अपने बेटों से भड़के प्यार दिया, चाचू बाजी ने भी अपनी औलाद समझा। मैं जानता हूँ औरतों के साथ मुआशरे में जो होता है, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि औरत अपना घर कैसे बनाती है, अपना घर बसाने के लिए उसे क्या कुछ करना। लेकिन ये हुस्ना हुस्ना हुसैन हुस्नी, ये वो नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं परवेज भाई, लेकिन इस मुआशरे में जो औरत के साथ होता रहा है या जो कुछ हो रहा है, उसना जैसी औरतें ऐसे गलत काम करती हैं, वो भी सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए। गलत काम मैंने भी किया और मैं भुगतूंगी, जैसे वो एम एस दरिया भुगत रहे हैं, उसना भी भुगतेगी। बुराई करने वाला मर्द हो या औरत, मकफाते अमल से कभी नहीं बच सकता। सही कह रही हूँ, मेरा दिल बहुत उदास है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। परवेज भाई, आप खुश रहें, उसना मुझे भी बहुत याद आएगी, लेकिन शायद उसना को हम कभी याद नहीं आएंगे। उसके लिए तो हम इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर थे। कितने दिन और चलेगी ये कंट्रोवर्सी? मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी कदम जमा लूँगा। समंदर पार कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरों में आने की हसरत तुम दिल में लिए मर जाओगी। और अब मैं बताऊँगा सारी दुनिया को कि तुम खुद नहीं लिखती थी, न तुम न तुम्हारा टोला। मैं खूब समझ गया हूँ तुम्हें इस ग्रुप का हिस्सा हो। तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझसे बच के दिखाओ। मैं अहमद जरियाब नहीं जो औरतों के चक्कर में हवालात में पहुंच जाऊंगा। बहुत जल्द तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूं।